गवर्नमेंट ने बताया है वो जानते क्या है? बेसिकली दो बेसिस के ऊपर इस बिल को पेश किया गया है। एक तो ये कि वन हो हैज बिकम अ प्लेस ऑफ करप्शन एंड अ प्लेस ऑफ माफिया, लैंड माफिया की जगह हो गई है वन हो। एक उसका एलिगेशन ये है जो भी जो वो भी डिफरेंस है, मैं कहता हूं अगर से भी कुछ करप्शन है किसी किसी स्टेट व कोर्ट में, तो मैं कहता हूं कि करप्शन को रिमूव करने के लिए कानून आना चाहिए, न कि पूरे वक्त के कानून को ही खत्म करने की साजिश हो आनी चाहिए। कि जितने भी ट्रस्ट और मंदिर के जो जितने भी ट्रस्ट और मंदिर के जो इंस्टीट्यूशन है, दूसरे धार्मिक इंस्टीट्यूशन हैं, किस धार्मिक इंस्टीट्यूशन में करप्शन नहीं है, मेरा यह सवाल है। तो अगर कहीं करप्शन होता है तो उस करप्शन को जो है एलिमिनेट करने के लिए गवर्नमेंट कानून लाती है, तरमीम लाती है, अमेंडमेंट लाती है। जैसे कि 2013 में जो अमेंडमेंट आए वो इसलिए आए कि आफ्टर डिस्कशन इन द लेजिस्लेशन इज ब्रॉट आफ्टर थॉरो डिस्कशन विद ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑल पार्टीज टू दैट पर्टिकुलर एक्ट हु आर इन्वॉल्व हु विल बी बेनिफिटेड और हु विल बी अफेक्टेड बाई दैट लेजिस्लेशन, उन लोगों से अच्छी तरह डिस्कशन करने के बाद एक अमेंडमेंट या एक बिल लाया जाता है और बिल जो अप्रूव किया जाता है। आप लोगों को याद होगा कि 2006 में जस्टिस राजेंद्र अच्छर कमेटी जो बनी, उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया और जो रिकमेंडेशन दिया, उस रिकमेंडेशन के तहत एक कमेटी बनी। जिस कमेटी ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद 2013 में एक अमेंडमेंट आया जिसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज जो थी 1995 एक्ट में, उन कमियों को उन डेफिशिएंसीज को खत्म करने के लिए 2013 में जो अमेंडमेंट आया। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसको आप लोग नोट करें, खासतौर से मेरे फ्रेंड के भाई और बहने जो यहाँ मौजूद है उनसे मैं कहना चाहता हूं कि क्या कोई गवर्नमेंट इस बेसिस पर विदाउट एनी डेटा एनी फैक्ट एंड फिगर्स वो इस बेसिस पर कोई कानून ला सकती है कि यहाँ पर करप्शन बहुत होता है, माफिया लोग है और वन बोर्ड जो है वो जिसकी जमीन चाहता है वो हथियार लेता है। ये दो एलिगेशन के बिना पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बिल को लाने के लाया और उन्होंने ऑमिट कर दिया है, डिलीट कर दिया जो 1995 एंड 2013 अमेंडमेंट में जितने कानून आए थे बने थे उनको डिलीट कर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दैट लॉ। अब मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या डिलीट किया है। आज जो वोटिंग लिया जगिया तो मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम से वोटिंग लिया जा रहा है कि आर दे इन सपोर्ट ऑफ दिस वक अमेंडमेंट बिल और दे आर अगेंस्ट। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुस्लिम तो वक के बारे में कुछ भी समझते हैं, वक क्या है, किससे बनाया है, क्यों बनाया है, इसका मकसद क्या है? लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि एक भी नॉन मुस्लिम जिन लोगों से वोट लिया गया उनसे पूछिए अगर कि वक्त क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा क्योंकि ये वो सब्जेक्ट उनका है ही नहीं। ये सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सा है? आप उन लोगों से वो अगेंस्ट हैं कि फेवर में है, आप उनसे वोटिंग लीजिएगा। आपने तो बड़ा बड़ा बैनर लटका दिया
QR कोड लगा के और सब नॉन मुस्लिम से कह रहे हैं कि भैया स्कैनर को स्कैन करो उसके अगेंस्ट में वोट करो. व्हाट इज दिस? कि कोई भी सेंसिबल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं. इससे क्या पता चलता है? ये जबरदस्ती है, ये जानबूझ के डिक्टेटरशिप है. इसको इससे एक कम्युनिटी के खिलाफ साजिश की जा रही है उनकी जायदादों को छीनने के लिए, क्योंकि वो जायदाद असल में क्या है इसको समझने की जरूरत है. ये वक्त एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ दी मुस्लिम लॉ और मोहम्मदन लॉ शरीयत का एक हिस्सा है, वो जिनको अल्लाह के पैगंबर साहब ने कायम किया और बताया लोगों को कि अगर तुम चाहते हो किसी का भला करना तो सवाब जागिया के लिए तुम ऐसा काम करो कि जिसका सवाब बेनिफिट हमेशा लोगों को आवाम को आने वाली नस्लों को पहुंचता रहे. ये वक्त वो चीज है कि जिन लोगों ने अपनी चीज को अल्लाह के लिए दान कर दिया इस नियम से कि मेरी उस जमीन और जायदाद से जो भी इनकम आएगा, चाहे वो एग्रीकल्चर से आए, चाहे वो रेंटल इनकम आए, चाहे किसी कमर्शियल एक्टिविटी से आए, इसका एक हिस्सा या पूरा हिस्सा जो है वो कौन के काम से जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है. तो आखिर वाकिफ किसे कहते हैं? जिससे वक्त बनाए अपनी चीज को, उसका विचार जो है वो पैरामाउंट है, सबसे ऊंचा है. वक्त जिससे बनाने वाले का, जिसने अपनी चीज को बना के कहे कि भाई हम तो मर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन मेरी चीज से आने वाली नस्लें, आने वाले लोग फायदा उठाते रहे, चाहे वो कुआं हो, चाहे वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो खेत खलियान हो, उसने अपने विशेष को, वसीयत को एक वक्त डीड में उतार दिया. भाई मोहम्मदन लॉ के मुताबिक एक बंदा वो दो आदमी को गवाह बनाकर भी वो अपनी चीज जो है अल्लाह के नाम से वक्फ कर सकता है. वक्फ माने होता है किसी चीज को हमेशा के लिए रोक देना जी, और इस नियत से रोकना कि उसका फायदा, उसका सवाब हमेशा लोगों हमेशा उसको मिलता है. तो मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मेरी बात का कि उन पॉइंट को नोट किया जाए, और इस मकसद से कि ये बिल बिल्कुल काला कानून है, इसको हमें रिजेक्ट हो जाना चाहिए, इसको गवर्नमेंट को वापस ले लेना चाहिए. शुक्रिया. आप सबों को पता चल गया कि आज की प्रेस मीट किस लिए रखी गई है, और अभी हमारे इरफान शेर साहब जो कि मुतवल्ली के पूरे प्रेसिडेंट हैं और हमारे एडवोकेट खुर्शीद साहब, इन्होंने आपके सामने बात रखी. बात यह है कि एक चीज हमारी है, ये आपकी, सपोज आपकी है, उसपे कोई डिस्प्यूट आता है, उसपे हम मोहल्ले वाले से पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी क्या राय. बिल्कुल यही बात हमारे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ की जा रही है. वक्फ का मसला मुस्लिम का है, उम्मत का मसला है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, मुस्लिम बॉडीज को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, मुस्लिम स्कॉलर्स को कॉन्टैक्ट करना चाहिए. तो इन लोगों ने जो राय मांगी है तो पूरे भारतवर्ष के आम जनता से मांगी. तो सबसे बड़ा गेम तो यही पे राय सी बात है कि मुस्लिम की आबादी कम है, हमारा परसेंटेज कम है, तो अगर पूरे मुसलमान भी ईमेल कर देंगे और हमारे जो नॉन मुस्लिम ब्रदर्स वो ईमेल करेंगे तो उनका जो नंबर है वो ज्यादा हो जाएगा. तो चीज हमारी है तो उनसे मशवरा क्यों मांगा जा रहा है? ये तो भारतवर्ष की प्रॉपर्टी है क्या? और वक्त हमारी भी कितना कीमती है. अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है तुम नेकी के मकाम तक उस तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक अपनी महबूब चीजों को अल्लाह की राह में खर्च न करो. इसी आयत पर अमल करते हुए आज से 1400 साल से लेकर आज तक जिन लोगों के पास जायद माल होता है, जरूरत से जायद माल, वो अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पे वक्फ कर देते हैं. उस वक्फ प्रॉपर्टी से उनके बच्चे भी नहीं ले सकते, भले उनके खानदान में आगे चल के कितनी मरी भी आ जाए, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी वापस उनके बच्चे भी नहीं ले सकते. ये इतनी अहम चीज है. आप लोगों को मैं ये बता दूं कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने आज से 1450 साल पहले एक बाग वक्फ किया था. उस बाग की आमदनी बढ़ते 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 जो लोग खर्च करने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि कितना शानदार होटल है और उस पर लिखा हुआ है कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का होटल है. और अभी भी उससे जो वो हो रहा है, कमाई हो रही है, अभी भी उससे जो पैसा आ रहा है वो
वो सब चीज अल्हम्दुलिल्लाह खर्च किया जाती है। तो पहली बात तो ये कि वक्त में अगर से कुछ करप्शन है, कुछ मिसमैनेजमेंट है, तो उसको मैनेज करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, वो हम देखेंगे। आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमको सजेशन दे सकते हैं, आप पूरे वक्त पे कब्जा कैसे जमा सकते हैं कि हर वक्त एक नया योजना पार्लियामेंट में बिल दे, सोचे समझे पार्लियामेंट में बिल को पेश कर देना है और पूरी मुस्लिम कमेटी को बेचैन और बेकरार कर देना है कि हम लोग देखते आ रहे हैं, लेकिन किस बार हम लोग खामोश नहीं रहेंगे। ये हमारे वजूद का मामला है, हमारे एग्जिस्टेंस का मामला है। और एक से एक रूमर, अभी मैंने न्यूज देखा कि 86 लाख ईमेल आया, जबकि हमारे पास रिकॉर्ड है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3.7 और यूरोप के जिम्मेदार जो सामने खड़े हैं उनकी तरफ से नियर अबाउट 2 करोड़ 5.7 करोड़ ईमेल जा चुका है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास, लेकिन सरकार कह रही है कि 86 लाख ईमेल आया। तो इस तरह से झूठ को फैला के और हम लोगों को परेशान करने से कोई फायदा है? इसमें सरकार का क्या जाता है? ये हमारी जमीन है, हमारी चीज है। अगर कहीं करप्शन है, अगर कहीं मिसमैनेजमेंट है, तो वी विल से वी आर एग्री टू करेक्ट दिस, आप हमको सजेशन दीजिए। लेकिन ये कैसी बात है कि अब एक और रिमोट हुआ है कि वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख बीघा या 9 लाख एकड़ जमीन, लेकिन अभी एक मिस को डिबंक किया, म्यूरेट ने डिबंक किया है कि सिर्फ दो स्टेट केरला और तमिलनाडु का जो हिंदू एंडोमेंट है, एंडोमेंट वक्त जो उन लोगों का वक्त है, वो अकेले 9 लाख एकड़ से ज्यादा है, सिर्फ दो स्टेट का। तो हिंदुस्तान में कितने स्टेट हैं? तो अपने एंडोमेंट की तादाद क्यों नहीं बताते, सिर्फ हमारे एंडोमेंट की तादाद क्यों बताते? ला के दिखाएं कि जो 9 लाख एकड़ जो बताए उन्होंने, तो जरा उसका रिकॉर्ड भी दिखा दें। इस तरह से बेसलेस बातें एडवोकेट खुर्शीद ने बता दिया। मैं फिर उसको रिपीट कर रही हूँ कि हिंदू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ये बिल है, ये हमारे आर्टिकल 25, 26, आर्टिकल 14 के खिलाफ ये बिल है, इसलिए इस बिल को रिजेक्ट करना ही चाहिए और हम लोग पूरी तरह से इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बात जरूर है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती, लेकिन इंशाल्लाह हमारी बात सुनी जाएगी, हम खामोश नहीं रहेंगे। और इंशाल्लाह मैं अपने तमाम जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, हम यहाँ के अपने चीफ मिनिस्टर से, वेस्ट बंगाल हुकूमत से और अदर जो स्टेट्स में जो नॉन बीजेपी नॉन एनडीए की जहाँ जहाँ हुकूमत है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस बिल को रिजेक्ट करवाइए। ऑन द होल दिस बिल शुड बी रिजेक्टेड, दैट्स ऑल, थैंक यू। आपके सामने प्लेटफॉर्म के जरिए इस बिल को रिजेक्ट करती हूँ, ये बिल हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इस बिल को जिस तरीके से लाया जा रहा है वो तरीका हमको मंजूर नहीं है। लगभग 44 कैंडिडेट इस बिल में लाया जा रहा है, जिसके बारे में कोई तफसीलात नहीं है, कोई डिस्कशन नहीं है, कोई तरह की राय मशवरा नहीं लिया गया, इसलिए इस बिल को हम मुसलमान रिजेक्ट करते हैं। पहली बात तो ये समझना चाहिए कि वक्त प्रॉपर्टी क्या है। वक्त वो प्रॉपर्टी है, हम आम लोग ये समझते हैं कि वक्त प्रॉपर्टी से हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया ये गवर्नमेंट का कि उन्होंने बहुत सारी चीज जो मुसलमानों को नहीं मालूम थी, जिसकी अहमियत लोगों को नहीं मालूम थी, उसे बता दी। इसी तरह वक्त भी हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अल्लाह की राह में ले दी जाती है, जिसे वापस कोई नहीं ले सकता, कोई का मतलब कोई नहीं ले सकता। इसलिए ये जो बिल लाया जा रहा है और इस बिल के जरिए हमारे प्रॉपर्टी को वक्त प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है, वो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि वक्त हिंदू गवर्नमेंट आज से अगर आपको इतनी ख्याल है, सेक्युलरिज्म के इतनी आपको अगर फिक्र है, तो आप बराबरी से इस बिल को चेंज करना है, एंडोमेंट एक्ट में भी चेंजेस लाएंगे। ये मुसलमान की प्रॉपर्टी है, इसको मुसलमान हुकूमत कर सकती है, मुसलमान हुकूमत से निर्माण कर सकती है। ये जो बोर्ड में जितने भी मेंबर्स हैं मुसलमान होना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। हम सेकंड मेजोरिटी है इंडिया के, हमें नजरअंदाज करके कोई डिसीजन लाना बिल्कुल गैर आई है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 25, 26, 99 को कंडेम करते हैं, उल्लंघन करता है, इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं। और हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि इसको वापस किया जाए। हमने जेपीसी को भी इस बारे में किया है, हमारे पास पूरा एक मेमोरेंडम तैयार है, अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मैं आप लोगों को फिकर दूंगी किस किस तरीके से ये बिल हमको हमारे फॉर्म को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए हम उसको कंडेम करते हैं और यहाँ से इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। कोई मामूली चीज नहीं है,
ये बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल से इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा इतना बड़ा इनकलाब कि 6 करोड़ लोगों ने, यानी इसका जुमला अगर ये आप समझे कि 6 करोड़ लोगों ने रास्ते पर उतर कर इसकी मुखालफत किया, क्योंकि उनको मालूम है, उनको बताया गया, वो समझे कि वक्फ क्या है। तो ये इतनी बड़ी राय इसके खिलाफ में जाना, इससे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ये समझना चाहिए कि ये बिल किसी भी कीमत मुसलमान कबूल नहीं करेंगे। और इसके लिए जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने, जो कि सबसे मुसलमानों का सबसे बावकार अदारा है और इस अदारा पे तमाम लोग एतमाद करते हैं और तमाम जो मुसलमान के अंदर जो फिरके हैं ये तमाम लोग उनसे जुड़े हुए हैं और तमाम बोर्ड के लोग इनके साथ मुंसलिक हैं, उनका ये मुतफक्का फैसला है कि हम किसी भी सूरत में इस अमेंडमेंट को, इस बिल को कबूल नहीं करेंगे। हमें अमेंडमेंट तो दूर की बात है, तरमीम तो आप छोड़ दीजिए कि एक पॉइंट के अंदर भी आप तरमीम करें, आप इसको बिल को पेश करने की जरूरत ही नहीं है, हम काबिल कबूल नहीं है ये बिल, और जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरकर एहतजाज करेंगे, मुजाहरे करेंगे, भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार और हक दिया है उसका हम इस्तेमाल करते हुए पुरजोर तरीके से हम इसकी मुखालफत करेंगे और अभी इसकी हम मुजम्मत करते हैं। उनका सर्वे था उसमें 90% से ज्यादा हमारे बिरादराने वतन से हिंदू से, तो स्टेट होल्डर है ही नहीं है। छोटा एक सैंपल लेकर सर्वे किया गया और कहा जा रहा है कि ये जेपीसी के पास जाएंगे। जेपीसी के पास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को अभी तक वक्त नहीं मिला और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है, रेलवे को मिल रहा है, जो वर्क जो वर्क प्रॉपर्टी को इंकोर्स कर रहे हैं, जो वर्क प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हैं उनको वक्त मिल रहा है, लेकिन जिनको वक्त मिलना चाहिए उनको वक्त नहीं मिल रहा है। तो हम लोग इस बिल को रिजेक्ट कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल के मुस्लिम रिजेक्ट कर रहे हैं, हिंदुस्तान के मुस्लिम रिजेक्ट कर रहे हैं, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, जैसा कि इमरान साहब ने कहा, जो पीस लविंग पीपल हैं, जो डेमोक्रेसी लविंग पीपल हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स के आइडिया ऑफ इंडिया को मानने वाले लोग हैं, वो सभी को इस वक्त इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और हम लोग आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर रहे हैं कि हमारी जो ज्वाइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन जो ये है, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जैसे ऐलान किया है कि हम इसके लिए रास्ते पर उतरेंगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, मुल्क के दस्तूर के दायरे में रहते हुए, हमें जो हकूक दिए गए हैं उन हकूक का इस्तेमाल करते हुए हम रास्ते पर भी उतरेंगे, और अपनी बात को अगर इसके जरिए नहीं माना जाएगा तो फिर हम रास्ते पर उतर के अपनी बात मनवाएंगे। क्या मतलब तेलंगाना की तरह सीएम, हमारी रिस्पेक्टेड सीएम ममता बनर्जी को क्या ये प्रेशर दे रहे हैं या उनसे मुतालबा कर रहे हैं या दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस बिल को रिजेक्ट किया जाए हुकूमती सतह पर, गवर्नमेंट लेवल पर? पहले बात तो ये है कि आई एम नॉट ए मिनिस्टर, आई एम ए चेयरमैन ऑफ तो पहले बात तो यह है कि हमने अपना अभी नहीं बताया, इसमें सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए रीजनल स्टेट वर्कर को। तो लेकिन हमने सजेशन भी दिया था यहाँ पर सैजुल मोदी साहब चेयरमैन ऑफ वर्कर बोर्ड एंड ईशान साहब सीईओ ऑफ वर्कर बोर्ड मौजूद था। मैंने कहा कि दूसरा इसमें प्रदेश में राज्य में वर्कर बोर्ड को रिजेक्ट कर रहा है, इसके बहुत जरूरी है, जितना वर्कर बोर्ड इसको रिजेक्ट किया, लेकिन वो लोग अभी तक कुछ नहीं किए सिलसिले में। ये बहुत दुख का वर्क है, हम लोग का ये बोलेंगे, हम लोग चुनाव करेंगे इस स्टेटमेंट देंगे। तो ये इन्हें तो सबसे ज्यादा मौका लगना चाहिए और ममता बनर्जी के बारे में हमने इससे जरूर लगाया, अपना वर्क सपोर्ट कर लिया। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये तो आप लोगों का काम है, मान्य की कमीशन का काम नहीं है। मान्य की कमीशन भी बोलेगा, आप लोग भी बोलिए, आप लोग उसे खत भेज रहा है, वैसे ममता बनर्जी और अगर सीएम उनको भी खत भेजिएगा, आप लोग खत दिए क्यों को जाने खत भेजिए कि हम लोग भी चाहते हैं बंगाल का हर कोने से उनको बस खत है। ये बहुत बड़ा इफेक्ट होगा कि हम माइनॉरिटी कमीशन इज द गवर्नमेंट।